अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिव एंड नबी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आप सबका वेलकम है। और मैं हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक तलबीना है, जो कि जौ की बनी हुई एक खीर होती है, जो हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। और नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिव ए नबी में इस जौ की खीर को यानी कि तलबीना को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करने की हिदायत और हुक्म हमें दिया है, वो आज मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बट उससे पहले एक मेरी छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी दबाना ना भूलें, ताकि जो नई अपडेट वीडियो है उसकी जो मालूमात है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप मेरा वीडियो तुरंत देख पाए। और अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और करते हैं बिस्मिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से जब कोई बीमार होता था तो आप हुक्म देते थे कि उसके लिए तलबीना तैयार किया जाए। फिर आप फरमाते थे कि तलबीना बीमार के दिल में से गम को इस तरीके से उतार देता है जैसे कि तुम में से कोई अपने चेहरे को धोकर पानी से उसे गंदगी उतार देते हो। कमजोरी दूर करने के लिए भी तलबीना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये रिवायत इब्ने माजा में है। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि तलबीना दिल को मजबूत करता है। ये रिवायत बुखारी शरीफ में है। तलबीना बीमार के दिल को राहत पहुंचाता है और उदास की उदासी को भी दूर करता है। हज़रत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा मैत के घर वालों और बीमार के लिए तलबीना का हुक्म जारी करती थी। आज की नई साइंस रिसर्च ने ये साबित किया है कि जो एक दवाओं के गुण रखने वाला और तंदुरुस्ती बनाने वाला फ़ायदेमंद अनाज है। जौ में दूध के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है और पालक से ज़्यादा फौलाद मौजूद होता है। इसमें तमाम ज़रूरी विटामिन भी पाए जाते हैं। परेशानी और थकान के लिए भी तलबीना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तो में है कि जब कोई नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख की कमी की शिकायत करता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तलबीना खाने का हुक्म देते थे और फरमाते थे कि अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ये तुम्हारे पेटों से गलाजत को इस तरह उतार देता है जिस तरह तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर साफ कर देते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरीजों के लिए तलबीना से बेहतर कोई और चीज़ पसंद ना आती थी। उसमें जो जो के फ़ायदों के साथ सेहत के फ़ायदे भी शामिल हो जाते थे। उसे नीम गर्म खाने, बार बार खाने और खाली पेट खाने को हमारे नबी ज़्यादा पसंद करते थे। भरे पेट भी यानी कि हर वक्त हर उम्र का इंसान इसका इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो सेहतमंद हो या फिर बीमार। तलबीना न सिर्फ बीमारों के लिए बल्कि तंदुरुस्तों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। बच्चों, जवान और बूढ़ों के साथ सारे घर वालों के लिए खुराक, टॉनिक भी, दवा भी, शिफा भी और अता भी है। ख़ास तौर पर दिल के मरीज़, टेंशन, मानसिक तनाव, दिमागी बीमारी या पेट, जिगर, न्यूरल मसल्स, औरतों, बच्चों और मर्दों की बीमारियों के लिए अनोखा टॉनिक है। जो जिसमें है उससे दूध के अंदर डालकर 45 मिनट तक दूध में गलने दें धीमी आंच पर और उसकी खीर सी बनाएं। उसके अंदर आप चाहे तो शहद डाल दें या खजूर भी डाल सकते हैं और उसे तलबीना कहा जाता है। ठंडा होने पर ही इसे सर्व किया जाए। अब जानेंगे हम तलबीना से होने वाले फ़ायदे जो हमारे जिस्म को तंदुरुस्त बनाते हैं। तलबीना गम डिप्रेशन को दूर करता है, मायूसी उदासी को कम करता है, कमर दर्द, खून में हीमोग्लोबिन की शहीद कमी को भी पूरी करता है। कमर दर्द के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद है। पढ़ने वाले बच्चों में याददाश्त की कमी को भी ये दूर करता है। भूख बढ़ाता है, वजन बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता को कम करता है, पतलेपन को दूर करता है। दिल और आंतों की बीमारियों के लिए भी बड़ा ही मुफीद है। पेट का वर्म, सूजन को भी कम करता है। अल्सर, कैंसर में भी तलबीना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इम्यूनिटी की कमी को भी दूर करता है। जिस्मानी कमज़ोरी, मानसिक बीमारी, दिमागी बीमारियाँ, जिगर, पट्टे, वसवसे यानी कि
ऑब्सेशन चिंता फिक्र के अलावा दूसरी बेशुमार बीमारियों में फ़ायदेमंद है तलबीना। और ये भी अपनी जगह एक हकीकत है कि इसमें दूध से ज़्यादा कैल्शियम और पालक से ज़्यादा फोलाद पाया जाता है। इस वजह से तलबीना की अहमियत बढ़ जाती है। इसे बनाने के लिए जौ का बिना छना हुआ आटा ही इस्तेमाल किया जाए। एक बात याद रखनी चाहिए कि तलबीना तिब ए नबी में वही हैसियत रखती है जो तिब ए यूनानी में आशी जो। जालिनुस का कहना है कि जो के बराबर कोई भी गिज़ा नहीं पैदा हुई, क्योंकि ये गिज़ा बीमार सेहतमंद दोनों के काम आती है। तो आज की आपको जो ये वीडियो है वो कैसी लगी, कमेंट करके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप भी हमारे नबी की बताई हुई इस अच्छी गिज़ा का इस्तेमाल कीजिए, अपनी ज़िंदगी में, अपने खाने में इसे शामिल कीजिए और इसके फ़ायदे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।